आदमी का मैं चिकित्सा कर रहा था, वो HIV विंडो पीरियड का वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट है। इसमें कम्प्लीटली पूरा का पूरा HIV 1 × 2 नेगेटिव में रहेगा, देख लीजिए। जी नमस्कार, मैं पारंपरिक वैद्य डॉक्टर धर्मेंद्र जी वज्रकाया संजीवनी एथनो मेडिसिन प्राइवेट लिमिटेड से। बहुत दिनों से एक आदमी का मैं चिकित्सा कर रहा था, वो HIV विंडो पीरियड का। तो इसमें बहुत लोगों को प्रॉपर गाइडेंस नहीं रहता है, तो मैं आज गाइडेंस देने के लिए और आगे कैसे चिकित्सा करना है, इसमें हिम्मत नहीं हारना है और इसका कोई इलाज नहीं है करके सोचना भी नहीं है। बहुत लोग कुछ ये कर देते हैं कि भाई इसका इलाज नहीं है, कुछ जान दे बैठ जाते हैं, मतलब जान गवा बैठते हैं, सुसाइड करने पे आते हैं। देखिए मैं क्या कहता हूँ कि भाई ये सब चीज़ों से थोड़ा दूर रहिएगा। अलग अलग चीज़ का अलग अलग तरीके से इलाज होता है, विंडो पीरियड में इलाज कर सकते हैं आप। थोड़ा इसका प्रॉपर गाइडेंस जो है उसको लेके आप थोड़ा सोच समझ के आप आगे चलेंगे तो मैं आप लोगों को कुछ इसका इलाज कैसे कर सकते हैं, कैसा है इसका तरीका, तौर और तरीका क्या है इसका, किस हिसाब से ये कम्प्लीटली क्यूरेबल हो सकता है विंडो पीरियड में, ये मैं आपको विद प्रूफ के साथ दे रहा हूँ आज। ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಬೆಲ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ। आज हम जो पेशेंट को इलाज किए हैं उससे पहले इसका तकलीफ था, जो RNA PCR जो टेस्टिंग था उसमें 511 इनका वायरस डिटेक्ट हुआ था। तो वो वायरस डिटेक्ट होने के बाद आगे हम लोग इनको जो दवाई है वो चालू किए थे, और ये चालू करने के बाद कंटिन्यूस 2 महीने के बाद जो 511 जो था जो वायरस वो कम्प्लीटली ज़ीरो हो चुका है। इसके बाद हमने काफ़ी कुछ अलग अलग टेस्टिंग भी करवाया है, जो टेस्टिंग है वो हमारे पास है। ये पूरा इलाज 2 महीने के बाद टेस्ट टारगेट नॉट डिटेक्टेड आ रहा है, मतलब ये जो टारगेट नॉट डिटेक्टेड जो है ये वायरस अभी बिल्कुल नहीं है, 0% है। और इसके साथ में हमने कुछ और आगे बढ़ोतरी की है, जो अलग अलग टेस्टिंग जो था वो भी करवाया, और वो टेस्ट में देखिए अलग टेस्ट में अलग अलग जो रिपोर्ट्स है वो आप इसमें समझ सकते हैं कि भाई इसमें ये जो वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट है इसमें कम्प्लीटली पूरा का पूरा HIV 1 × 2 नेगेटिव में रहेगा, देख लीजिए। ये आप समझने का चीज़ है, हर चीज़ में अलग अलग तरीके से इलाज होता है, और ये इलाज करने के लिए प्रॉपर गाइडेंस का भी ज़रूरत होता है और प्रॉपर दवाइयों का भी ज़रूरत पड़ता है। और क्या कर सकते हैं जो विंडो पीरियड में है तो वो जो है उसको समझना चाहिए पहले। ₹1.80 ₹2.07 जी। ये सब इलाज हमारे यहाँ पे अच्छी तरीके से होता है, इसको समझिए क्या है ये चीज़ में क्या, अगर पहले ही डिटेक्ट हो जाता है तो उसको विंडो पीरियड कहा जाता है, और ये विंडो पीरियड का टाइम पे हम लोग दवाइयाँ दे के वहाँ पे ही रोक सकते हैं, जो पहला जो स्टेज रहेगा उसको वहाँ पे ही रोक सकते हैं। इसको एग्जैक्टली समझ के दवाइयाँ प्रॉपरली ले लिया तो ये पॉजिटिव बनने से पहले ही रोका जा सकता है। जी आज हमारे पास जो चिकित्सा लिए हैं उनका नाम प्रीतम करके, जो यहाँ पे आज आ चुके हैं, इनका जो पहले कैसे था और हालत कैसे जो बिगड़ा हुआ था अब कैसे हैं वो पूरा उनका ही मुंह से सुनेंगे, क्योंकि उनको हिंदी बात करने के लिए नहीं आता है और ये कन्नड़ी का है और कर्नाटक का ही है, तो इनको पूरा एक्सप्लेन करने के लिए नहीं आता है, तो मैं इनका हिंदी में आपको ट्रांसलेट बता देता हूँ। नमस्कार ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪ್ರೀತಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು, ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರವನೇ, ನಾನು ಬಡ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ।
ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಂದೇ ಆದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿದೆ. ನಾನು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಆವಾಗ ನನಗೆ ಸುಮಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ಹುಷಾರು ತಪ್ಪಿತು. ಹುಷಾರು ತಪ್ಪಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಸುಮಾರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೋದೆ. ನಾನು ಹಲವು ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಗುಣಮುಖ ಆಗಿ ಕಾಣಿತು. ಆದರೆ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ RNA PCR 511 ಅದರಲ್ಲಿ ವೈರಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆವಾಗ ನನಗೆ ವಿಂಡೋ ಪಿರಿಡಿನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಆವಾಗ ನಾನು ಹಲವಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳ ಹತ್ರ ಹೋದೆ. ಅವರು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಟ್ಟರು, ನಾನು ತೊಗೊಂಡೆ. ತೊಗೊಂಡಾಗ ನನಗೂ ಯಾಕೋ ತೃಪ್ತಿ ಅನಿಸಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ವೀಕ್ ಆಗೋದು, ಆವಾಗ ನನಗೆ ಒಂಥರ ತಲೆ ಸುತ್ತಂಗೆ ಆಗೋದು, ಮೈಕೈ ಪೇನು, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಂಡುಬಂತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸುಮಾರು ಸೋಷಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಧರ್ಮೇಂದ್ರಿಯವರು ಸಿಕ್ಕರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಧರ್ಮೇಂದ್ರಿಯವರು ಅವರು ನಾನು ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅವರನ್ನು ಯಾಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಬಂದು ನನ್ನ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟೆ ಅವರಿಗೆ. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದರು. ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, 2 ತಿಂಗಳ ನನ್ನ ಅವ್ರನ್ನೂ ನನಗೆ ಮೆಡಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಮೆಡಿಷನ್ ನಾನು ತೊಗೊಂಡೆ. ತೊಗೊಂಡಾದಮೇಲೆ 2 ತಿಂಗಳಾದಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಹೋಗಿ RNA PCR ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವಾಗ ನಾನು RNA PCR ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಆವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ವೈರಸ್ 0 ಕಾಣ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ನಂಬಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನನಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ವಾಸಿ ಆಗ್ಬೋದು ಏನೋ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ನನಗೆ 4 ತಿಂಗಳ ಮೆಡಿಷನ್ ತಗೋಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮೆಡಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡೆ. 4 ತಿಂಗಳಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು, CD4 CD8 ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ಆ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗುಣಮುಖ ಅಂತ ಕಂಡುಬರ್ತು. ಅದೇ ಥರ ನನಗೆ ಇವಾಗ ಮುಂಚೆ ಥರ ಆಗಿದ್ದೆ, ನಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಥರ ನಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಮುಂಚೆ ಥರನೇ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಧರ್ಮೇಂದ್ರಿಯವರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ನಾನು ಪತ್ರದ ಮೂಲಕವೂ ನನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಬರೆದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬರೆದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. धन्यवाद जी. आज जो प्रीतम जी हमारे पास साथ में हैं, उन्होंने हमें आज राइटिंग पे उनको जो इलाज हुआ उसका जो संपूर्ण होने के बाद उन्होंने राइटिंग में दिया है. मैं उनको मेरी तरफ से मैं आभारी भी रहूँगा और उनको मैं धन्यवाद भी कहना चाहता हूँ. देखिए, कोई इलाज करवाने से पहले इसका बार उसके बारे में, मतलब कोई भी बीमारी है उसके बारे में बराबर से समझना चाहिए. समझने के बाद उसमें हिम्मत कभी नहीं हारना चाहिए. हिम्मत हारेंगे तो पूरा हो जाएंगे. हिम्मत से अगर काम लेंगे तो 100% कोई भी बीमारी है या कोई भी स्टेज में रहेगा उससे बाहर आने में आसान होता है. और धन्यवाद कहता हूँ सर जी. देखिए, मैं प्रॉपरली मैं बेंगलुरु का रहने वाला हूँ. मैं देखिए, मेरा यहाँ पे दूसरा कोई फ्रेंचाइजी पुणे हैदराबाद जैसे तेलंगाना और कोई नॉर्थ इंडिया नॉर्थ कर्नाटका में कोई भी फ्रेंचाइजी नहीं है. मैं अकेला एक ही जगह पे हूँ. अगर आप दवाइयों का बारे में पूछना चाहते हैं या दवाइयाँ लेना चाहता है तो डायरेक्ट आप हमें आके डायरेक्टली मिलिएगा. किसी और जगह पे आप हमारा ही फ्रेंचाइजी है ये वगैरह, हमारा कोई ऐसा आज तक नहीं है. हमने किसी को आज तक फ्रेंचाइजी का DSA वगैरह कुछ नहीं दिए हैं, देना भी नहीं चाहते हैं. क्योंकि देखिए, हमारा नाम लेके कोई गलत कर देगा फिर बाद में आप हमारे पीछे टोकते रह जाएंगे, वो तो गलत हो जाएगा. तो इससे अच्छा है कि भाई आप हमारे यहाँ पर आइए, हमारे यहाँ पर जो डायरेक्ट मिल के आपका जो रिपोर्ट है वो ये कीजिए. और हमारा व्हाट्सएप नंबर और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी ऑलरेडी पिछले बार भी दिए हैं. पिछले बार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे उसमें भी दिए हैं. इस बार भी हम लोग यहाँ पे आपको दे रहे हैं. आप हमारे को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कीजिए, डायरेक्ट आके मिलिएगा जी. मैं क्या सोचता हूँ कि भाई आप लोगों को इससे काफ़ी कुछ जानकारी मिला है करके सोचता हूँ. और ये वीडियो आप देखिए, दूसरों लोगों को भी शेयर कीजिए. इसका जो जानकारी है, जो नॉलेज है, वो सबको बांटिएगा. क्या है, प्रॉपर गाइडेंस नहीं होने से या कुछ किसी से बताने के लिए डरने के वजह से इस बीमारी का कोई हल नहीं निकल पाता, जो अंदर से अंदर घुटन करके आगे कोई अनहोनी काम कर लेते हैं. देखिए, ये चीज़ समझने का चीज़ है और समझिएगा. और ये जो वीडियो है उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. मैं आप लोगों को धन्यवाद कहता हूँ. नमस्कार जी.